प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले भाग में हमने आठवीं कक्षा की हिंदी संयुक्त की दूसरी इकाई का जो चौथा पाठ है तुम मुझे खून दो, उसके शीर्षक और लेखक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम सीधे हमारे पाठ की ओर चलते हैं। पाठ के प्रकट वाचन के बाद हम ये देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारत की जनता के सामने एक कार्यक्रम रखा गया था जिसका नाम संपूर्ण सैन्य गठन या अधिकतम बलिदान था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में भारत के जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। और इस एक साल या एक वर्ष बीतने के बाद नेताजी उस एक वर्ष का ब्यौरा भारत की जनता के सामने रखते हुए कहते हैं कि मैं इस एक वर्ष में हमारी जो उपलब्धियां हैं उसका भी ब्यौरा आपके सामने रखूंगा और आने वाले वर्ष में जो हमारी मांग है उस मांग के संबंध में भी जानकारी आपके सामने रखूंगा। मित्रों, यहाँ पर जो शब्द ब्यौरा आया है उसका अर्थ होता है विवरण या तफसील, और एक शब्द उपलब्धि भी यहाँ पर उपयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है प्राप्ति या सफलता। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे कहते हैं कि उपलब्धि और आने वाले वर्ष की मांग से पहले मैं आपको इस बात का अनुभव कराना चाहता हूँ कि हमारे पास ये सुनहरा अवसर है आज़ादी प्राप्त करने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा बहुत अधिक आशावादी है कि हमारे ये प्रयत्न या ये हमारा संघर्ष हमें ज़रूर जो है आज़ादी प्राप्त करके हमें देगा, और उनका जो आशावाद है उसके संबंध में वो कहते हैं कि मैं केवल पूर्वी भारत के 30 लाख जो भारतीय जवान हैं उनके प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूँ, बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी, दूसरे भागों में भी एक विराट आंदोलन शुरू है और उस विराट आंदोलन में भारत की जनता अधिक दुख सहने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार है, राजी है। यही कारण है कि मैं आशावादी हूँ कि हमें एक अब की बार स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। संपूर्ण सैन्य संगठन और अधिकतम बलिदान के द्वारा मैंने आपके सामने 3 चीज़ों की मांग रखना है, वो जवान, धन और सामग्री की है। इसके संबंध में मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि जो हमारी पहली मांग थी सैन्य को ज़्यादा संख्या में हमारे संगठन में शामिल करना, उसमें पूर्वी एशिया के बहुत से भागों से, बहुत से देशों से हमें रंग रूट मिल गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो शब्द रंग रूट का उपयोग किया गया है उसका अर्थ होता है नए सैनिक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये नए रंग रूट, ये नए सैनिक मुझे, हमको चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा जैसे देशों से प्राप्त हुए हैं। लेकिन आगे सुभाष चंद्र बोस ये जानकारी भी देते हैं कि हमने और ज़्यादा इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। हमारे सामने जो दूसरी समस्याएं हैं वो आपूर्ति की भी है और परिवहन की भी है। आपूर्ति, जिसका अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध करना, यानी हमें जिन आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, और ये वस्तु जो है हमने भारत के दूसरे भागों में जहाँ पर इनकी आवश्यकता है वहाँ पर पहुँचाना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए आज़ादी की आशा करना मुमकिन है, संभव है, और हमें इसके लिए खूब प्रयत्नशील होना चाहिए।